सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा हूँ कि विदेश से ब्लैक मनी आ रहा है या फिर विदेश में व्हाइट मनी जा रहा है, क्योंकि एक मोदी जी ब्लैक मनी विदेश से लाने की सोच रहा है, सिर्फ अब तक सोच ही रहा है। वहीं दूसरा मोदी व्हाइट मनी विदेश में भेज भी चुका है। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी 15 लाख हम गरीबों को देने की तैयारी करते हैं, कोई ना कोई पैसे लेकर भाग जाता है। साला अपनी तो किस्मत ही खराब है, पहले माल्या साहब ने वाट लगा दी और अब इस नीरव मोदी ने दिमाग की बत्ती बुझा दी। नहीं तो मेरे भी अकाउंट में 15 लाख आ ही जाते। अभी तो मैं सिर्फ पति हूँ, अगर 15 लाख आ जाते तो सोचो मैं लखपति हो जाता, लखपति। साला अपने देश का सिस्टम ही खराब है। पैसे अगर घर में रखो तो नरेंद्र मोदी का डर, पैसे अगर बैंक में रखो तो नीरव मोदी का डर, और पैसे अगर आईपीएल में लगाओ तो ललित मोदी का डर। साला दिमाग का दही बन गया है इन मोदियों के चक्कर में। खैर कोई बात नहीं, सिर्फ मेरा ये थोड़ा सा काम कर देना, मेरा ये एक छोटा सा संदेश नीरव मोदी तक पहुँचा देना। प्रिय नीरव मोदी जी, आप जहाँ भी हो खुश रहना, खूब तरक्की करना, और आप बैंकों के कर्जे की चिंता बिल्कुल भी मत करना। वो तो बैंक वाले हम लोगों से 10-10, 20-20, 50-50 और 100-100 रुपए करके वसूली लेंगे। अगर फिर भी बैंक वालों को ज्यादा जरूरत पड़ी तो मिनिमम बैलेंस 3,000 से बढ़ाकर 5,000 कर देंगे। अगर फिर भी उनकी भरपाई नहीं हुई तो ATM यूज करने पर ट्रांजैक्शन चार्ज और बढ़ा देंगे। अभी हम माल्या साहब का कर्जा चुका रहे हैं, आप जरा सी भी फिकर मत करना, आपका कर्जा भी हम चुका देंगे। जिस तरह हम माल्या साहब का कर्जा चुका रहे हैं, आपका कर्जा भी हम चुका देंगे। हम लोगों को तो आदत है इन सब की, कभी कभी तो लगता है हम छोटे लोग कमाते इसलिए हैं कि आप जैसे बड़े बड़े लोगों के बैंकों का कर्जा भर सके। हम लोग पैदा ही शायद इसीलिए हुए हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, आपके बैंक घोटाले का एक एक पैसा और वो भी ब्याज सहित हम सभी गरीब देशवासी वापिस करके सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, तुम्हारा शुभ चिंतक बिल्लू।